Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Pioneer Cement, Chirat Cement and Treet Corporation. Let's start. First of all, we are going to discuss Pioneer Cement technical basis. From the scratch 43.76 का bottom बना के Pioneer Cement ने जो है एक अपनी अपरचन एक पैरेलल चैनल के थ्रू जो है अपसाइड पे मूव इनिशिएट की। उसके बाद जो है प्राइस कुछ करेक्शन में है और अपना जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर चुकी हुई है प्राइस, और ब्रेक करने के बाद जो है मोस्ट लाइकली कि प्राइस ने जो एक करेक्टिव फेज जो स्टार्ट किया है इसमें प्राइस का ये जो है ये वेव फर्स्ट वेव है और उसके बाद ये करेक्शन चल रही है और मोस्ट लाइकली ये करेक्शन एक रेगुलर फ्लैट के थ्रू जो है कंप्लीट होने के बाद अगेन एक ड्रॉप लेगी और आइदर जो है प्राइस एक रनिंग फ्लैट क्रिएट कर सकती है फॉर दी फर्दर ड्रॉप। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि दोनों अगर प्रोबेबिलिटीज़ को देखें तो प्राइस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ दी 86.73 का लेवल, और यहाँ से बिलो जब प्राइस अपना टैग कर ले 78.52 का लेवल तो यहाँ पे कुछ कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होने के बाद एक अगेन पुल बैक ले टू क्रिएट अ रनिंग फ्लैट और उसके बाद जो है प्राइस अगेन ड्रॉप हो। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग कि प्राइस जो है वो एक करेक्शन में है और करेक्शन मोस्ट लाइकली जो है वो कंप्लीट होगी अपॉन द टेस्ट ऑफ द 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज। लोअर साइड पे स्पोर्ट्स को देखें तो 78.52, 74.25, 71.88 जो कि 50% फिब लेवल भी है और इन कन्फ्लुएंस विद द 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 71.44 की करंटली रीडिंग आ रही है। ये एक स्ट्रांग सपोर्टिव लेवल है और प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकती है दोबारा। तो सेल एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी में जो है टारगेट कर सकते हैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज को, और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस स्लाइटली अपने लो के करीब से होकर दोबारा अपसाइड पे मूव करती है तो अपसाइड मूवमेंट में जो है 86.73 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। और मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर हम देखें तो 8-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इनिशियली रेजिस्ट करेगी प्राइस को 82.89 का लेवल, उसके बाद जो है फर्दर प्राइस एक्सटेंड कर जाएगी अपनी अपसाइड टू टेस्ट 21-डे सिंपल मूविंग एवरेज 85.69 और उसके बाद जो है 50-डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है 89 रुपी इसको मोस्ट लाइकली प्राइस टेस्ट कर सकती है अगर सस्टेन कर लेगी 86.73 जो कि एक स्टॉप आउट लेवल है फॉर दी स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग कि प्राइस में जैसे ही कोई अपसाइड मूव आए तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉक है चिराट सीमेंट। चिराट सीमेंट आल्सो मूविंग विद इन अ चैनल और चैनल का ऑलमोस्ट टॉप के एरिया से जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही है करेक्टिव फेज के थ्रू, और अगर हम देखें तो प्राइस इस अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने के बाद कुछ कंसोलिडेशन में और मोस्ट लाइकली यहाँ से प्राइस ग्रेजुअली मूव करती हुई लोअर साइड पे मूव हाई प्रोबेबिलिटी जो मूव है इंडिकेट सजेस्टिंग दैट कि प्राइस जो है लोअर साइड पे इसी तरह ग्रेजुअली मूव करती हुई जो है अपनी 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करे जो कि करंटली 115 रुपये 9 पैसे की रीडिंग आ रही है। तो ओवरऑल ये सारी जो प्रीवियस मूव थी अगर हम उसको देखते हैं तो लो प्राइस का 81.10 से टॉप बनाया प्राइस ने 138.50 का। तो इस सारी की रिट्रेसमेंट को देखें तो करंटली प्राइस ने 23.6% रिट्रेस किया अपने इस टोटल असेंट का, और मोस्ट लाइकली के प्राइस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द 38.2% ऑफ दी फिब लेवल इन जो कि एक सपोर्टिव लेवल है इन कन्फ्लुएंस विद दी 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज 115 रुपये 9 पैसे। तो 118.65 से 116.57 से 115 रुपये का जोन जो है ये एक स्ट्रांग सपोर्टिव जोन है, और प्राइस अगर इससे बिलो कंसोलिडेट करके कंसोलिडेशन में चली जाती है तो फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 50% फिफ्थ लेवल 109 रुपये 80 पैसे। तो लोअर साइड पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें ऑन दी हॉरिजॉन्टल बेसिस तो 121 रुपये 21 पैसे ये फर्स्ट स्पोर्ट होगी मार्केट के लिए चिराट सीमेंट के लिए, 118 रुपये 65 पैसे सेकंड, 116 रुपये 57 पैसे थर्ड और 115 रुपये 9 पैसे फोर्थ जो है ये स्पोर्टिव लेवल्स हो सकते हैं। और अपसाइड पे अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज बेस्ड जो रेजिस्टेंस है 125 रुपये 62 पैसे इनिशियली ये एक रेजिस्टेंस है और इससे अबव 127 रुपये 47 पैसे जो है ये एक 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिस पे रेजिस्टेंस है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 129 रुपये 77 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो इस सारे क्लस्टर में जो है रेजिस्टेंसेस अपसाइड पे 125.62 127.47 और 129 रुपये 75 पैसे और 129 रुपये 75 पैसे से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम फर्दर अपसाइड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 133 रुपये 15 पैसे और 137 रुपये 5 पैसे और 138.50। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग कि प्राइस इसी तरह ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करेगी टू टेस्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 129 रुपये 80 पैसे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट स्टॉक है ये ट्रीट कॉर्पोरेशन और ट्रीट कॉर्पोरेशन को अगर हम देखें तो प्रीवियसली इसने एक बॉटम अपना पोस्ट किया 115 रुपये के अराउंड और वहाँ से जो है प्राइस कुछ साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव करती हुई प्राइस ने जो है अपसाइड पे 23.20 का टॉप बनाया। तो ये मूव जो है ये एक इम्पल्सिव मूव थी और उसके बाद जो है प्राइस ने एक अगेन वी पैटर्न के साथ ड्रॉप लिया और करंटली प्राइस इज क्रिएटिंग ए बेरिश फ्लैग। और इस सारे सिनेरियो को नेगेट करने के लिए जो है ट्रीट कॉर्पोरेशन में प्राइस को जो है कंसोलिडेट करना चाहिए विद द शार्प अपसाइड मूव अबव द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि करंटली 17 रुपये 56 पैसे की रीडिंग आ रही है। और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो ये ग्रेजुअल मूव जो है मोस्ट लाइकली के प्राइस इसी तरह अपसाइड मूव करती हुई ग्रेजुअली अपनी 38.2% फिफ्थ लेवल को जो है वो टेस्ट करें। तो स्ट्रेटजी करंटली जो है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो बेसिस पे क्लोजिंग जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए 16 रुपये 5 पैसे से बिलो स्टॉप लॉस रखें इसका बाय के लिए और बाय डिप की जो है वो स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें और मोस्ट लाइकली प्राइस जो है अपसाइड पे 16 रुपये 95 पैसे दैन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 17.56 की तरफ मूव करेगी और उसके बाद 18 रुपये 14 पैसे और इस एरिया में कंसोलिडेशन जो है वो कंफर्म करेगी फर्दर एक्सटेंडेड गेंस को टुवर्ड्स दी 19.11 एंड 19.68 एंड 20.45। तो फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 16 रुपये 5 पैसे तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और इससे बिलो मोस्ट लाइकली प्राइस जो है वो लोअर साइड पे टेस्ट करें अपने 15 रुपये 55 पैसे की सपोर्ट को और उसके बाद जो है 15 रुपये जो कि इसका प्रीवियस बॉटम था और इस बॉटम से बिलो अगर पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस तो देन वही में सी मूव टूवर्ड्स दी 13.85 एंड 12.75 के एरिया की तरफ प्राइस जो है वो मूव करना शुरू कर दें। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।